नमस्कार, मैं लक्की शर्मा इंडिया रॉक स्टार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा है और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 28 तारीख को हमारा नेक्स्ट ऑडिशन है, नेक्स्ट फर्स्ट राउंड, जिन्होंने ऑडिशन दिया था उनका फर्स्ट राउंड है। तो उसमें काफी बड़ी संख्या में सिंगिंग और डांसिंग, हैंड राइटिंग और पेंटिंग, मॉडलिंग में भी भाग लिया बच्चों ने। लेकिन जो मैं कोचिंग देता हूं, हम जो कोच है सिंगिंग के कोच है, हम क्लासिकल में हमने डिग्री हासिल की है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए ताकि बच्चों को कुछ मोटिवेट किया जाए। जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं सिंगिंग की, आने वाली वीडियोस में डांस वालों के लिए भी रहेगा, जो डांस के एक्सपर्ट हैं उनके व्यूज में आपको दिखाऊंगा कि वो क्या आपको गाइडलाइंस देते हैं। ये बहुत जरूरी होता है। अभी आज 16 डेट है और अभी 10-12 दिन अभी पड़े हैं, तो आप जैसे मैं बताऊंगा उस तरीके से आप प्रैक्टिस करें तो आपकी जो सिंगिंग है काफी अच्छी हो सकती है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप उठते कितने बजे हैं, कितने बजे आपका जागने का टाइम है। अगर आपका 6 बजे का जागने का टाइम है तो आप 5 बजे कर दीजिए। अगर आपका 7 बजे का उठने का टाइम है तो आप 5 बजे कर दीजिए। 8 बजे उठते हैं तो भी आपने कितने बजे उठना है, 5 बजे, क्योंकि जो जिन्होंने आगे जाना है, जिनका भविष्य बनाना है, जिन्होंने कैरियर बनाना है, उनके लिए शास्त्रों में एक ही टाइम है कि 5। अगर 4 बजे उठ जाए तो उससे भी बढ़िया, लेकिन संगीत की रियाज के लिए 4 बजे उठेंगे तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप 4 बजे नहीं उठ सकते, क्योंकि आजकल कलयुग है, हम थक जाते हैं, हम रेस्ट नहीं कर पाते हैं, तब 5 बजे तो कम से कम उठिए। और 5 बजे उठ के सबसे पहले आपने सा का रियाज करना है। सा का मतलब है बिल्कुल नीचे की वॉइस में आपने बिल्कुल सेम वॉइस, गले को हिलाना नहीं है। मैं जैसे थोड़ा सा बोल के दिखा देता हूं, सा ये हो गया, या और नीचे भी जा सकते हैं, सा और नीचे जा सकते हैं, मतलब कि जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती उनसे ये नीचे के स्वर नहीं लगते। जैसे कि ये हमारा कंठ होता है, तो जो नए जो हमारे खिलाड़ी होते हैं, नए कॉन्टेस्टेंट होते हैं या नई प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी जो आवाज़ आएगी जब भी आप गाएंगे, आप नोट करना, जब भी आप गाएंगे तो आपकी आवाज़ इस कंठ से ऊपर की तरफ आएगी यहाँ से। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यूटी प्रैक्टिस देते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी जो आवाज़ है वो अंदर से आनी शुरू हो जाती है यहाँ से। और जब तक यहां से आवाज नहीं आएगी, यहां से आवाज नहीं जाएगी, यहां तक आवाज नहीं आएगी। तो जब तक दिल से आवाज नहीं आएगी, उसको कहते हैं दिल से गाना। दिल से तभी गाया जाएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने क्या करना है, सुबह उठ के कंटिन्यूटी आधे घंटे का सा लगाना है। सा की प्रैक्टिस जरूर करनी है। जब भी हम कोई गाने की प्रैक्टिस करें, उससे आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना भी मिलता है, आप सा की प्रैक्टिस जरूर करें। ओके, हारमोनियम है तो कोई बात नहीं, नहीं तो आजकल हमारे एंड्रॉयड मोबाइल्स में एक ऐप आया हुआ है, तानपुरा, तानपुरा द्रोइड के नाम से, TANPURA, तानपुरा, DROID, तानपुरा द्रोइड के नाम से। वो भी एक अच्छा ऐप है जिसमें आप सुबह 5 बजे उठ के उसके साथ आप सा की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। और इससे 10-12 दिनों में आपकी जो वॉइस है आप रिकॉर्ड कर ले अपनी वॉइस को, कोई भी गाना आप गा के रिकॉर्ड करें, और 10 दिन बाद फिर आप फर्क देखें उसमें। वही गाना आपने 10 दिन बाद रिकॉर्ड करना है सा की प्रैक्टिस करने के बाद, तो आपको खुद को फील होगा कि जो मेरी सिंगिंग है पहले से अच्छी हो गई है। अब देखिए, अगर 10 दिन में इतना फर्क पड़ सकता है, तो अगर उसको आप साल, 2 साल, 3 साल अगर चलाएंगे, तो आप उसमें जो आपका टैलेंट है वो निखरेगा या नहीं निखरेगा, आपकी सिंगिंग अच्छी होगी या नहीं होगी, होगी 100% होगी। तो आज ये मेरा एक टिप था, आप 20 मिनट पहले सा का रियाज करें और उसके बाद जो भी गाना आप गाना चाहते हैं, ऑडिशन देना चाहते हैं जिस गाने में, वो आप गाने का ध्यान रखें, पूरा उसको प्रैक्टिस करें। थैंक यू। इसी के साथ, शुभकामनाओं के साथ कि आप नेक्स्ट लेवल पर आगे जाएं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। मैं लकी शर्मा, ओके।